ग्रेविटी क्या होता है? एक्सिलरेशन विथ विच अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अगर मैंने यहां से कुछ सामान नीचे फेंका है तो वो कितनी स्पीड से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। उसकी स्पीड अगर मैंने जीरो से दिया है, जीरो स्पीड पे फेंका है, तो नीचे 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 उसकी स्पीड आते आते कितनी बढ़ जाएगी। वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एग्जाम में डेरिवेशन आता है। तो हम लोग बोलते हैं सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, छोटा है। ये वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मास है कितना, छोटा है। ये कहाँ रखा है? अर्थ की सरफेस पे रखा है। अर्थ का मास कितना है? कैपिटल एम। एम तो छोटे एम और बड़े एम के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? आर। आप और ये आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये आर क्या है? रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ द दी अर्थ अर्थ है। ठीक है, रेडियस तो सेम ही रहेगा। तो हमने बोला कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास है, ये छोटी सी बॉडी ऑफ मास है, केप्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है? कैपिटल एम। अर्थ का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या? कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन में डी स्क्वायर। तो एम वन की जगह हम लोगों ने क्या लिया? मास ऑफ अर्थ। एम टू की जगह क्या लिया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको डिवाइड कैसे कर दिया? अर्थ के रेडियस से स्क्वायर से। तो न्यूटन, ये तो एक बात हुई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लगाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना? अब हम लोगों ने बोला कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से देखें, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से देखें तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ हम लोगों ने एक ही जगह क्या लिखा है? स्मॉल जी। एक ही जगह क्या लिखा है? स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इधर पे भी एलएचएस में एफ है, इधर भी एलएचएस में क्या है? एफ है। मतलब दोनों के एलएचएस तो क्या है? इक्वल। तो हम आरएचएस को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? एम जी शुड बी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर है? अब हमने कहा अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी? अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने बोला देखो मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 × 10⁴ kg। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁶ m। और जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻¹ m² पर kg². क्लियर है? तो ये सारी वैल्यूज जब मैं ये वाले फॉर्मूले में लिखूंगी, कौन से? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू ये रहा, कैपिटल एम, कैपिटल एम का वैल्यू ये रहा 6 × 10⁴, 24। और कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 6.4 × 10⁶। जब ये सारी वैल्यूज स्मॉल जी के फॉर्मूला में रखूंगी तो मेरे पास स्मॉल जी की वैल्यू सॉल्व करने में कितनी आ जाएगी? 9.8 m/s², जिसको हम लोग 10 m/s² अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या है तुम्हारी कहानी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुम्हें क्या करना है? ये प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर होता है वो अर्थ का कितना होता है? 1/6 होता है। वो अर्थ का कितना होता है? 1/6 होता है। तो हमने बोला देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना होगा? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होगा? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि जीएम को किससे डिवाइड कर देंगे? जीई से। तो हमने क्या करा? जीएम अपॉन में जीई इज इक्वल्स टू ये वाली चीज डिवाइडेड बाय ये वाली चीज। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो आर ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जी इंटू एम ई क्या आ जाएगा? नीचे। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एम से एम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एम एम क्या है? मास ऑफ मून है। और एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। सिमिलरली आर एम क्या है? रेडियस ऑफ मून है। और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये चार वैल्यूज बेटा तुम्हें रखनी पड़ेगी। कौन सी? मास ऑफ मून कितना होता है? 7.36 × 10⁻²⁰ kg। रेडियस ऑफ मून कितना होता है? 1.74 × 10⁶ m। मास ऑफ अर्थ तो अपन ने ऊपर भी किया, 6 × 10⁴। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा? 6.4 × 10⁶।
ये वैल्यूज लिख के तुम्हें सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस ये वैल्यूज लिख देनी है, आएगा लेकिन तुझे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है? क्योंकि तू लिखेगी हमने ये सारी वैल्यूज पुट अप करी, तो जीएम अपॉन में जी कितना आ जाएगा 0.165, विच इज इक्वल टू व्हाट 1/6। और जी को हमने फिर क्या भेज दिया, ऊपर भेज दिया, तो जीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, जीई अपॉन में 6। तो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। कहानी समझ में आई? तो ये वैल्यूज लिखनी है बट सॉल्व नहीं करनी है। तो मैं बस ये वैल्यू याद रखना है कि जीएम अपॉन में जीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.165, विच इज इक्वल टू व्हाट 1/6, और इसको एज इट इज लिखकर आ जाना है। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? वैल्यूज भी लिख के आनी है। ठीक वैल्यूज ही तो लिख के आनी है, तभी तो बोलूँ याद कर लेना पर सॉल्व मत करना, ठीक है?